सो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। वेलकम बैक टू द माय वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। एंड गाइस, ये वाला वीडियो चैलेंज वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम 15 मिनट के अंदर एक डायमंड कॉपी किक्स बनाकर रेडी करना होगा, तब हमारा चैलेंज सक्सेसफुल होगा, नहीं तो अनसक्सेसफुल। और ये चैलेंज काफी ज्यादा टफ भी होने वाला है, क्योंकि हमें विदाउट मरे इस चैलेंज को कंप्लीट करना है। सो लेट्स हम गेम को करते हैं स्टार्ट, अपने चैलेंज को शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ से वुड को कलेक्ट कर लिया, एंड उससे मैं थोड़े बहुत ब्लैंक बनाए, एंड स्टिक बनाए, एंड एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। एंड उसके बाद यार आगे साइड में एक वाइट स्मिथ का हाउस था, तो फटाफट से चलते हैं इस हाउस में एंड देखते हैं इसके अंदर आखिर हमें क्या लूट मिलने वाली है। आई होप मुझे अच्छा लूट मिल जाए। एंड इसके अंदर से चेस्ट प्लेट मिला और वुस्ट मिला और एक आयरन का सॉर्ड मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। एंड यहाँ पे ट्रेडर था, मेरे पास कुछ नहीं है तो छोड़ दिया उसे। एंड सामने के साइड एक रूई पोर्टल है, तो फटाफट से चलते हैं एंड वहाँ से लूट करते हैं, शायद वहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए तो मेरे लिए और भी बेटर होगा। तो यहाँ से हमें एक हेलमेट मिला और एक पेंट मिला गोल्डन, एंड गोल्डन एप्पल मिला, और हमारा आर्मर कम्प्लीट हो चुका था। तो फटाफट से आर्मर को पहन लेते हैं एंड उसके बाद हम चलते हैं और भी घरों को लूटने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा माइनिंग, ज़्यादा मतलब फूड कलेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड सामने के साइड एक और वाइट स्मिथ का हौस था, तो इसे भी लूटते हैं, शायद इसमें और भी बेटर चीज़ मिल जाए। एंड यार इसके अंदर सबसे बेटर चीज़ मिला वो है आयरन का पिकेक्स, एंड साथ में हमें खाने का सामान मिल चुका है, 2 ब्रेड एंड 3 रेड एप्पल मिल चुका है। तो यार फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। एंड यार अब चलते हैं आगे की साइड, देखते हैं और भी लूट है क्या। वो आगे की साइड केव है, तो क्यों ना हम केव में डायरेक्ट चले, क्योंकि हमारे पास खाने का सामान हो चुका है एंड माइनिंग में ज़्यादा हमारा हंगर लूज नहीं होता है। तो यहाँ पर आते ही हमें मिल चुका है वेल, एंड इसे हम कलेक्ट करते हैं, इसे हम गेहूं का बोझ ही बोल सकते हैं। तो इसे फटाफट से कलेक्ट करते हैं यार, जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो एंड यार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से कॉमेंट करना कुछ भी आप। ऑलराइट, तो इसे कर लिया कलेक्ट, एंड सामने की साइड आप देख सकते हो कोल है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से चलते हैं एंड कोल को माइनिंग करते हैं। कोल का काम सबसे ज़्यादा आने वाला है आयरन इंगट को स्मेल्ट करने के लिए एंड टॉर्चेस बनाने के लिए, तो फटाफट से इसे माइनिंग करते हैं। ऑलराइट, तो मैंने माइनिंग कर ली। एंड गाइस अब निकलते हैं हम एक केव ढूंढने के लिए, जहाँ से हम काफ़ी ज़्यादा डायमंड खोज सके, एंड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है माइनिंग करने में। तो हम केव ढूंढने वाले हैं जिससे हमें थोड़ी आसान हो जाए। अभी तक केव नहीं मिला और हमारा हंगर लूज हो चुका है, तो एप्पल खाकर मैं अपने हंगर को बिल्कुल रेड कर लिया हूँ, सॉरी रेड एप्पल खाकर ग्रीन कर लिया हूँ। तो यार फटाफट से चलते हैं एंड इस केव में, एंड इस केव में तो डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि मेरे पास वाटर पैकेट नहीं था, तो मैंने माइनिंग करना शुरू कर दिया। एंड माइनिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी कोल मिल गया, जो कि मेरे लिए और भी बेटर हो सकता था। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो लावा भी, एंड अंदर देखो एक बार, केव काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो डायमंड मिल सकता है, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुम्स भरे हुए हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेने वाला। बात यह नहीं है कि मैटर पोक हो या नूबू, बात यह है कि मेरे पास शील्ड नहीं है, आर्मर है बट शील्ड नहीं है। अगर जाकर पंगा खाली पीली का ले लिया तो मर जाऊंगा और ये मिशन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। इसी चलते मैं प्लैंक लगाकर इधर पे ही माइन करना शुरू कर देता हूँ। थोड़े से माइन करने के बाद मैं टेकडाउन करने लगता हूँ और अपनी कोऑर्डिनेट को पूरा माइनस में करने लगता हूँ, ताकि मैं ज़्यादा नीचे तक जाऊँ और डायमंड को आसानी से ढूंढ पाऊँ। एंड काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करने के बाद हमारे पास टॉर्चेस नहीं होते हैं, तो यहाँ पे मैं स्टिक एंड कोल की मदद से एक टॉर्च बनाता हूँ एंड इसे फटाफट से लगा देते हैं, ताकि यहाँ पर इंजोर हो जाए, मतलब लाइट आ जाए। एंड ब्रेड भी बना लेता हूँ, मेरे पास ब्रेड भी ख़त्म हो चुके थे, तो यहाँ पे 25 मैं ब्रेड बना कर रेडी कर लूँ। ऐसे मेरे पास और भी ब्रेड बनाने के लिए है मटेरियल, बट नहीं बनाऊँगा। एंड यहाँ पे कोल काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, एंड कोल बहुत ज़्यादा इस वाले वर्ल्ड में मिल रहा है, आई नो मुझे नहीं पता। एंड कोल माइनिंग करने के बाद फिर से अपना क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेता हूँ एंड दोबारा से माइनिंग करने की प्रक्रिया को शुरू कर देता हूँ। माइनिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, तो दोबारा से टॉर्च लगाकर रोशनी कर लेता हूँ एंड फिर से शुरू कर देते हैं माइनिंग करने के लिए। बट हमें यहाँ पे आयरन मिल जाता है, तो पहले इस आयरन को फटाफट से माइन कर कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो आयरन का एक पिकेक्स है वो भी टूट सकता है कुछ ही देर में, तो इसलिए मैं आयरन को फटाफट से यहाँ से माइन कर लेता हूँ। एंड आयरन को माइन करने के बाद मैं दोबारा से
टिक डाउन कर कर माइंड करना शुरू कर देता हूँ। एंड सच बताओ तो काफ़ी देर हो चुके हैं माइंड करते करते, बट अभी तक हमें कोई केव नहीं मिला है अंदर। सो माइनिंग करते जाता हूँ एंड फिर से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, तो दोबारा से टॉर्च लगाते हैं एंड दोबारा से माइनिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा माइनिंग कर लिया था बट अभी तक हमें एक भी डायमंड का नसीब नहीं हुआ था। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है एंड साथ में बताऊँ तो मेरा पिकैक्स भी टूटने वाला है, तो एक फर्नेस बना लेते हैं एंड उसके बाद हम आयरन इंगट को स्मेल्ट करने के लिए रख देते हैं। ये जब तक स्मेल्ट हो रहा है मैं दोबारा से माइनिंग करने के लिए शुरू हो जाता हूँ। एंड ये स्मेल्ट हो चुके थे तो इसे निकाल लेता हूँ एंड इसे फटाफट से तोड़ लेते हैं। एंड उसके बाद मैं भूल जाता हूँ कि मुझे पिकेक्स भी बनाने हैं क्योंकि हमारा पिकेक्स टूट चुका है। सो यहाँ पे पहले स्टिक बना लेता हूँ एंड उसके बाद एक नहीं दो आयरन का पिकेक्स बनाने वाला हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे दो आयरन का पिकेक्स बना लेता हूँ एंड इसे तोड़ देते हैं एंड अब चलते हैं दोबारा से माइनिंग करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था तो दोबारा से टॉर्च लगाते हैं एंड दोबारा से माइनिंग करना शुरू कर देते हैं। बट यार मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे एक भी डायमंड अभी तक नहीं मिला, जो कि डायमंड मिल चुका है भाई साहब, वो दो डायमंड, बट इसे क्या तीन डायमंड हमें चाहिए तब जाकर पिकेक्स बनेगा। आई होप तीन डायमंड मिल चुका है, वो मेरे लिए वेस्ट है यार, तीन डायमंड मिल चुका है। बट इससे फटाफट से बनाते हैं पिकेक्स, क्योंकि अगर पिकेक्स बनने से पहले अगर कुछ हुआ तो ये मिशन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो फटाफट से इसे माइन कर यार क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं एंड अब हम बनाते हैं एक डायमंड का पिकेक्स। ऑलराइट, तो डायमंड का पिकेक्स बन चुका है, तो ये वाला मिशन सक्सेसफुल हुआ एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, जब तक लिए बाय बाय।